फैसले जो हैं फैसले वो अंपायर की उंगली नहीं, अंपायर की उंगली नहीं, आवाम के अंगूठे करते हैं अंगूठे। अस्सलाम वालेकुम। अभी से थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असम्बली में ख़िताब किया और बहुत ही ज़्यादा कहा जाए कि एग्जेक्टिव और अदलिया इस वक्त आमने सामने वाली कैफियत में हमें नज़र आए। प्राइम मिनिस्टर ने अपने जिन लफ्ज़ों का चुनाव किया खिताब के अंदर, उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों को कभी चोर, कभी डाकू और कभी गॉड फादर कहा जाता है। क्या हमें कानून साजी का हक है कि नहीं है, हमें इसके ऊपर आज बहस करके ये बात तय कर लेनी चाहिए। बहुत ही डायरेक्ट अल्फाज का चुनाव था, कोई उसमें इबहाम रखा नहीं उन्होंने। उनका जो मतमा नज़र ये था कि ईवान के अंदर बहस की जाए, जो कुछ अदलिया आजकल कर रही है उसके ऊपर हमें काम करने का मौका मिलेगा कि नहीं। मकसद उसका जो स्पिरिट थी उस सारी बात के अंदर वो यही थी, लेकिन इसके साथ अगर दो चीज़ें और मिला ली जाएँ तो वो भी बहुत ही अहमियत की हामिल इख्तियार कर जाती हैं। वहाँ लगता यह है कि जो केसेस अपने फैसले के बिल्कुल करीब आए हुए हैं उनसे बचने की हिकमत अमली भी हो सकती है। इस वक्त PMLN से कुछ लोगों को तोहीन अदालत का सामना है, जिसमें खुद नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। इसके अलावा दो वज़रा को नोटिस हुए हैं, एक को आज शोकाज हो गया, दूसरे को एक तारीख मिल गई है एक हफ्ते बाद की, एक एक महीने की सजा के ऊपर जेल में जा चुके हैं। जो नैब के केसेज हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह की मुद्दत दी थी, 8 मार्च को वो 6 माह की मुद्दत पूरी हो रही है। अगर ज़िमनी रेफरेंसेज हम साइड पर रख दें तो 6 माह की मुद्दत 8 मार्च को पूरी हो जाएगी। 13 को वो जज साहब ने रिटायर भी होना है जो नैब अदालत में इसको सुन रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्कान इस बात का मौजूद है कि 8 के इर्द गिर्द वो उन केसेस के ऊपर, उन रेफरेंसेस के ऊपर फैसला सुना दें या उसके करीब तरीन आ जाएँ। 22 तारीख एक बड़ा अहम उसके अंदर दिन आ रहा है। 22 तारीख के अंदर जो ट्रस्ट डीड के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए गए थे, जिसके ऊपर नैब ने एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस दिया और उन्होंने कहा है कि असल मालिक जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के हैं नवाज शरीफ साहब हैं और उनके फ्रंट पर्सन्स के तौर पर उनके बच्चे एक्ट कर रहे थे, उसकी तस्दीक के लिए और एक कैलिबरी फोन के हवाले से दस्तावेज़ सामने आई थी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी बहस भी हुई और मजाक भी उड़ाया। और वो ये था कि उस तारीख में अभी कैलिबरी फोन जारी नहीं था हुआ जिसके अंदर वो ख़त बनाकर अदालत के अंदर सबमिट कर दिया गया, फोर्जरी का एक केस बनाने का उसके अंदर इशारा दिया गया। उसके ऊपर नैब की एक टीम जो है वो लंदन रवाना हो गई और रॉबर्ट रेडले और राजा अख्तर साहब, जिन दो लोगों ने असल दस्तावेजात की तस्दीक करनी है बाहर से, और यहाँ से जो JIT के सरबरा थे उस JIT के सरबरा की भी 22 को गवाही होनी है और उन दो लोगों की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से गवाही होनी है 22 तारीख को। ये तारीखें साथ जुड़ी हुई हैं और आज ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये ईवान जो है बहस करे अदलिया के रवैये के ऊपर। हम आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन पहले आपको प्राइम मिनिस्टर ने क्या वो सुनवाते हैं, फिर अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे और उनसे उनकी राय लेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अदालतों में कभी इलेक्टेड नुमाइंदों को चोर कहा जाता है, कभी माफिया कहा जाता है, कभी डाकू कहा जाता है, कभी ये धमकी दी जाती है कि जो कानून आपने पास किया है इसको हम ख़त्म कर देंगे और उसके असरात आप पर क्या होंगे। ये अखबारी खबरें हैं, मेरी तो दुआ है कि ये गलत हों, लेकिन गुजारिश ये है कि जो अराकीन इस हाउस के दोनों साइड पे बैठे हैं, क्या इस हाउस को लेजिस्लेशन का हक नहीं है? क्या हमें कोई पहले अप्रूवल लेकर लेजिस्लेशन करनी है? आईन में तमाम इदारों की हदूद का तायुन मौजूद है, हमें उसी उन्हीं हदूद में रहना होगा, वरना नुकसान मुल्क का होता है। इंतखाबी इस्लाहात के कानून के अंदर एक सेक्शन 203 डाला गया था। अभी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा कवानीन थे उसमें किसी नाहल शख्स को पार्टी सरबरा बनने की इजाज़त नहीं थी। जो नाहली किसी रुकने पार्लियामेंट पे थी वही पार्टी सरबरा के ऊपर भी थी, लेकिन सेक्शन 203 डाल के नवाज शरीफ साहब को पार्टी सरबरा बनाने की राह हमवार की गई। ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा नहीं किया। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या कोई ऐसा शख्स जेल से भी पार्टी चला सकता है, क्या किसी चोर डाकू को, उन्होंने कहा अल्लाह ना करे कि ऐसा पाकिस्तान में दिन आए। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने कहा अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या ऐसा भी कोई हो सकता है कि कोई चोर डाकू पार्टी का सरबरा बन जाए, ये सवाल हुआ था। उसके ऊपर नून लीग ने काफ़ी ज़्यादा एक ऑफेंसिव पोजीशन अख्तियार की है, उसकी तरफ इशारा है। प्राइम मिनिस्टर के खिताब के फौरन बाद वजीर दाखिला, उन्होंने भी खिताब फरमाया ईवान के अंदर, उन्होंने कहा वो भी सुनो। मुल्क की तबाही में
इस मुल्क की बर्बादी में अगर किसी एक फैक्टर को हम लेकर आए तो वो इस मुल्क में आइन और जमहूरियत के अमल का अदम तसलसल है। इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम को शक और शुबे के साथ देखने पर है कि ये लोग शायद जाहिल हैं, ये पाकिस्तान के अवाम फैसले नहीं कर सकते और इसके नुमाइंदे जो यहां पर आते हैं वो शायद ये सलाहियत नहीं रखते कि वो इस मुल्क के मफादात के हकीकी नेगेबान हो। इस पार्लियामेंट के तकद्दस को और इस पार्लियामेंट की उस हाकमियत को जो पाकिस्तान का आइन कहता है कि खुदा ताला की हाकमियत आला है और खुदा ताला की हाकमियत आला जो है पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदों को हासिल है जिससे इस मुल्क के फैसले हों, ये वो बुनियादी असास है कि जिसके ऊपर ये मुल्क तरक्की कर सकता है और फल फूल सकता है। जी ये एहसन इकबाल साहब हैं। पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है वो कंडक्ट ऑफ जजेस को पार्लियामेंट के अंदर बहस की गुंजाइश नहीं देता, ये बड़ा अहम मामला है। और अगर असूल वजा करना हो जमहूरी तकाजों का तो असूल तो ये होना चाहिए कि जिसने किसी भी मार्शल लॉ डिक्टेटर का कभी भी साथ दिया हो, कभी भी किसी मार्शल लॉ डिक्टेटर की बिसाखी बना हो या उसके कंधों पर सवार होकर जमहूरियत के नारे मारता हो, ऐसे लोगों को तो पार्लियामेंट का हिस्सा होना नहीं चाहिए, यह असूल वजह कर लेना चाहिए। आज जो मोहतरम मेहमान है हमारे साथ पीर क्लीम खुर्शीद साहब हैं, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वेरी वार्म वेलकम जी। इसके अलावा शहरी रहमान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं, आप दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। पीर साहब आपसे आगाज़ करेंगे, क्या इस आइन के होते हुए इस मौजूदा पार्लियामेंट के अंदर कंडक्ट ऑफ जजेस के ऊपर बहस हो सकती? मैं इस सिलसिले में जनाब की तवज्जो आर्टिकल 68 की तरफ दिलवाऊँगा। No discussion shall take place in Majlis Shura Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in discharge of his duties. तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के उस ज़माने में लॉ मेकर्स थे उन्होंने बैलेंस रखा है। पहले आर्टिकल 68 में जजेस को उन्होंने तहफ़ दिया है कि उनकी प्रोसीडिंग्स को नहीं चैलेंज किया जाएगा, ना डिस्कस किया जाएगा, जबकि आर्टिकल 69 ने उन्होंने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को भी जो है ना प्रोटेक्शन दिया। द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन मजलिस शूरा शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। तो जो लॉ मेकर्स थे उनके जो नज़रियात थे वो बड़े वाज़ेह थे। दरअसल इस वक्त हम जो है एक क्राइसिस के दौर में दाखिल हो चुके हैं। देखिए इंटरनेशनल कितना प्रेशर है पाकिस्तान पे, लेकिन हम लोग अपने ज़ाती मामलात में उलझे हुए हैं। मेरे नज़दीक जो है ग्रीवेंस शुरू उस दिन से हुई है जब के चीफ जस्टिस साहब ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने उसमें इफ़ेक्टिव रोल अदा किया है। नहीं करना चाहिए था उन्हें? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज दैट स्टेट shall eliminate exploitation. When state has failed to eliminate exploitation, no one else other than judiciary can come to the rescue of the nation at large. मेरे शहरी बीबी इसके ऊपर आपकी जमात से मुझे राय ज़्यादा वजनी लगेगी। 73 के आइन में क्या कुछ ऐसी गलत काम हो गया, कुछ जो कानून साज थे हमारे उस वक्त के उन्होंने कहा कि ये कंडक्ट ऑफ जजेस के ऊपर तो बहस नहीं हो सकती, इसमें कमी रहेगी कोई? देखिए पार्लियामान में जो डिस्कशन होता है, जो बात होती है, उसका अपना एक तकद्दस होता है और आइन तो सबसे हमारा जाहिर है ऊंचा और ऊंचे दर्जे का डॉक्यूमेंट, इट सुपरसीड्स एवरीथिंग। मगर इसमें यह है कि आपने जैसे देखा होगा लाइक ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस आइन भी वर्क इन प्रोग्रेस होता है। आप उसको उस वक्त अगर ये कह रहे हैं और अगर ये फीलिंग ऐसी है कोई भी चीज़ के बारे में, बहुत से हम मुस्तकिल बिल लेजिस्लेशन क्या होती है, हम मुस्तकिल लेते हैं, लाते हैं अमेंडमेंट्स और कहते हैं कि वक्त के मुताबिक हम इसको अमेंड कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है ना। देखिए कंस्टिट्यूट असेंबली भी पार्लियामेंट होती है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती, इसका एक असल देखिए आप कह सकते हैं पार्लियामेंट का सबसे बाला है इसमें और पार्लियामेंट हर सिचुएशन में बाला है, लेकिन इस वक्त जो डिबेट चल रही है वो एक्चुअली लीगल नहीं है, फ्रैंकली थोड़ा कुछ हद तक है ऑफ कोर्स है,
लेकिन इस वक्त जो ये बहस बना रहे हैं ये सियासी है, ये सियासत मकसद की जा क्या है इसका? ये सियासी अपनी सियासी साख, अपनी जाती जो मकासद हैं उसको हुसूल देने के लिए हर हरबा हर इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है, तसादुम में लाया जा रहा है, वो तो आपके सामने है सब। तो मैं ये कहूँगी जो अभी इन्होंने तकरीर की है कि पार्लियामान की हुरमत और पार्लियामान का तकद्दस पामाल हुआ, तो मैं फिर याद दिला दूं बैसाखी तो आपने बताई है कि कैसे बने हैं, किस बैसाखी और किसकी कंधों पे चढ़ के बने हैं, किस ताले आज़मा। मैं तो ये कहूंगा असूल ये है कि जो भी किसी डिक्टेटर का साथी बना जिंदगी किसी हिस्से में भी तो वो अगर जमहूरियत पसंद है तो इस पार्लियामान का रुकन ना बने, थोड़ा सा जमहूरियत पसंद हो जाए। ये तो एक इस वक्त सियासी बात हुई ना, इसका भी कोई मसला ये सियासत कर रहे हैं तो आप भी जाहिर इसका जवाब सियासत से दे रहे हैं। उस वक्त जो ये आप बात कर रहे हैं पार्लियामान के तकद्दस की और ये और वो और कितनी इसकी इन्होंने इज्जत की है, तो इन्होंने पार्लियामान की हुरमत और उसके वकार को की धज्जियां किसने बिखेरी हैं? पीपल्स पार्टी ने बिखेरी हैं, पीटीआई ने बेशक उसके मैं समझती हूँ गलत अल्फाज यूज़ किए इमरान खान ने, लेकिन माजरत के साथ रूलिंग पार्टी जो इस वक्त कर रही है उसने हर इदारे की धज्जियां बिखेरी हैं। ये सेनेट में तो साल साल भर नहीं आए अपना प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तो वज़रा की अदम हाजिरी की वजह से पूरे पूरे दिन ज़ाया हो जाते हैं, अवाम की जो टैक्स पेयर के जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो तो इस तरह शाह वज़ीर-ए-आज़म साहब 3 साल सेनेट गए ही नहीं, डार साहब बजट वाले दिन उनका हाथ पकड़ के लेकर गए थे। नेशनल असेंबली में कब आते हैं, क्या समझाया इन्होंने पार्लियामान को? ये तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आप आज का क्या मौकफ है, जो कंडक्ट ऑफ जजेस है उसके ऊपर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए क्योंकि एक माजी भी तो मौजूद है ना, वो जो शुरू हो जाए आप पाकिस्तान में नज़रिया जरूरत की जहाँ से लेकर आज तक हर केस में नया फैसला आ जाता था, बल्कि 99 में तो 3 साल दे दिए थे आईनी तरमीम के लिए भी, वो भी फैसले मौजूद हैं पाकिस्तान में। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो फाउंडिंग पिलर्स हैं एक मुल्क के अंदर उनको प्रोटेक्शन ज़रूर मिलता है। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट को एक प्रोटेक्शन मिला, आईन के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर आर्मी को प्रोटेक्शन मिला, मिसाल के तौर पर जुडिशरी के हवाले से एहतियात करने की नियत की गई। तो मैं समझता हूँ जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं और जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो यही होते हैं कि एक किसी इदारे की तजलील ना की जाए और उसको गिराया ना जाए। मगर एक साथ साथ आपसे एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, एल गोर साहब के वो शेफ्स थे, वोटिंग शेफ्स, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, याद है आपको? अगर एल गोर इलेक्ट हो जाता और 10-20 हज़ार वोट्स का फर्क पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एल गोर के खिलाफ फैसला दिया, जॉर्ज डब्ल्यू बुश इलेक्ट हो गए, और अगर एल गोर इलेक्ट हो जाते तो दुनिया की तारीख मुख्तलिफ होती। एल गोर ने चैलेंज नहीं किया इस बात को, एल गोर बड़ी खामोशी से हट गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये इज्जत दी कि इसके ऊपर कोई पब्लिक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बुनियादी हकूक कोई भी आइन मेरे पामाल नहीं कर सकता, किसी के भी पामाल नहीं कर सकता। ये उसके अपनी जगह कायम है कि जब अदालत से फैसला कुछ ऐसा आ रहा हो जो मुतनाजा हो। मोहम्मद खान जिनी जो की समझियां टूटी थी, नए इलेक्शन भी उस वक्त कॉल हुए थे, उन्होंने कहा कि समझियां तो बोला टूटी, इलेक्शन हो रहे हैं अब इलेक्शन हो जाने दो। जनरल परवेज मुशर्रफ को कहा 3 साल आइन भी अमेंड कर लो, तो क्या ऐसे फैसले के ऊपर किसी पार्लियामान में बहस नहीं होनी चाहिए कि ये किस कानून किस जाब्ता अखलाक के तहत ये फैसला दिया गया था? नहीं, मैं समझता हूं कि वो जरूर बहस होनी चाहिए, मगर एक साथ एक और प्रिंसिपल आप समझ लें। ये कहना कि चोरी का, चोर का, डकैत का या कोई भी आदमी हो उसका फैसला जो है वो अदालत नहीं करेगी, पुलिस प्रोसिक्यूशन नहीं करेगी, बल्कि अवाम करेंगे, तो इसका मतलब कि हर गांव में जब कोई वाकया पेश आए तो गांव वाले फैसला कर दें क्राइम के सिलसिले में। देखिए आइन आइन इस बात को बिल्कुल अलग करता है कि जो क्रिमिनल्स हों उनके सिलसिले में उनके बुनियादी हकूक को देखते हुए उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा और सजा मिलेगी। ये अवाम से फैसला, ये अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बड़ी अजीब सी कैफियत है पाकिस्तान के अंदर, जमहूरियत के एतबार से ये भी कहा जा रहा है कि जब ये अगर खुदा ना खास्ता ये इलेक्ट हो गए तो इन्होंने सारे अशराफिया को बचाने के लिए कानून चेंज किया जाएगा, एमनेस्टी किसी अंदाज से दी जाएगी। अगर एमनेस्टी तो उस बेचारे साइकिल चोर की 20,000 रुपए की साइकिल अगर चोरी कर ले या कोई चीज कर ले उसको तो एमनेस्टी नहीं है, यहां फाइनेंशियल क्राइम्स की एमनेस्टी है, मनी लॉन्ड्रिंग की एमनेस्टी है। तो उन बचा बनाकर अशराफिया को
और मनी लॉन्डरर्स को और इन सब लोगों को दोबारा ये एक कैओटिक कैफियत पाकिस्तान के अंदर पैदा हो सकती है जो जमहूरियत की बिल्कुल नफी होगी और वो जो एक्सप्लॉयटेशन है पाकिस्तान के अवाम का चोरी चोरी के एतबार से मलिक साहब भी हमारे साथ चला जाएगा। इनसे पहले पूछ लेते हैं कि वजीर आजम ने आज जो तकरीर मकसद क्या है हुकूमत का, जो हमने आपकी वो पार्लिमानी कमेटी की जो खबर पढ़ी है उसमें भी बड़ा क्लियर डायरेक्शन हमें नजर आ रही थी कि बहस की जाए इसके ऊपर, क्या चाहते हैं कि अदलिया वालों का रवैया जो है इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, क्या इरादे क्या है आपके? इरादे कुछ नहीं जी, मैं समझता हूँ कि हर मुल्क जो है वो आइनी तौर पर इवॉल्व होता है। ये जो मुख्तलिफ इदारे हैं, जुडिशरी है जिसका काम अदल फराहम करना है, एग्जीक्यूटिव है जिसका काम हुकूमत चलाना है, और लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ हैं जिनका काम कानून साजी है, इन सब का दायरा कार है और ये दायरा कार कभी भी एकदम सेटल नहीं होता। जहाँ पे भी जमहूरियत अमेरिका में भी इवॉल्व हुई है वहाँ पे एक इदारा दूसरा इदारा, मगर फाइनली जब जमहूरियत चलती रहती है तो आइन के अंदर एक तरीका कार तय हो जाता है, लिखा हुआ भी और बग़ैर लिखा हुआ भी, जिसके तहत इदारे काम करते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि जैसा कि आप कह रहे थे कि हमारी तारीख बड़ी अजीब सी है, हमने 10-10 साल के 3 मार्शल लॉ यहाँ पर चलते रहे हैं और तीनों के तीनों अदलिया ने वैलिडेट किए और कहा कि ये ठीक थे, ये जो उनके साथी थे उनके ऊपर क्यों नहीं साथ बात करते जी? आप वैलिडेट करने वालों की बात करते हैं, जिसने 17वीं तरमीम 8वीं तरमीम पास करवाई उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? नहीं, बिल्कुल बात करते हैं जी, और आप आज बात कर रहे हैं और हर जगह पर बात हो रही है और बात होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि हर जो बंदा जो राइट था, मसलन भुट्टो साहब को जिस तरह सिकंदर मिर्ज़ा साहब लेकर आए, अयूब खान लेकर आए, लेकिन भुट्टो साहब वक्त के साथ साथ इवॉल्व किए और सबसे बड़े जमहूरियत के अलमबरदार जो हैं वो खुद बने। इसी तरह मुख्तलिफ मौके के ऊपर जो लोग प्रॉमिसिंग थे, आगे आना चाहते थे, उस वक्त की जो गैर जमहूरी ताकतें थीं उन्होंने उनके लिए रास्ते खोले, मगर जब वो जमहूरियत के रास्ते पर गामजन हो गए तो उनके सामने आके आहनी दीवार की तरह खड़े हो गए। तो ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। ऐसे इसी तरह के जब सड़क के ऊपर हो तो जमहूरियत याद आती है और जब विवान के अंदर हो तो हम खुद चाहते हैं कि हम डिक्टेटर बन जाएं। देखें, आप एक तरह से तो ये बात करें तो आपकी बात शायद सही साबित हो, लेकिन जब आपको ये नज़र आए कि अलवी साहब की जमात के सरबराह जो थे मखदूम जावेद हाशमी, वो कंटेनर पर खड़े होकर कहते हैं कि यहाँ पर एक कू होने लगा है और उसके खदखाल भी वज़ा करते हैं और बताते हैं कि ये कू कैसे होगा और कैसे हटाया जाएगा इलेक्टेड वज़ीर आज़म को, और इससे पहले 17 वज़ीर आज़म हट चुके हैं इसी तरह के तरीक़ाकार से, कभी 58(2)(b) के ज़रिए, कभी सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए, कभी अदालती अहकाम के ज़रिए। तो जब वो करते हैं उसके बाद फिर फ्रिवलस जो है वो आप क्या करना क्या चाहते हैं, जो असल सवाल था क्या करना चाहते हैं, क्या तब्दीली लाना चाहते हैं? मेरा ख्याल है जी कि जो आइनी दायरा कार है मुख्तलिफ ऑर्गन्स का, मुख्तलिफ रियासती इदारों का, उसको वज़ा करना जो है वो फ़र्ज़ है लेजिस्लेटिव असम्बली का, ये काम है लेजिस्लेटिव असम्बली का। आइन के अंदर जो तरमीम की गुंजाइश रखी गई है, नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को कैसे बचाना है, ये नहीं, देखिए बात ये है कि नहीं, ये आपका ये देखिए, अगर मैं मैडम की बात मान लूँ तो खुर्शीद शाह साहब की तकरीर का क्या करूँ? और अगर खुर्शीद ज़ाती मुफाद में नहीं, मगर उन्होंने और भी कुछ कहा, लेकिन जब उन्होंने और भी कहा लेजिस्लेशन का, अगर आप ऑब्जेक्टिव ये होगा कि नवाज शरीफ को कैसे बचाना है तो फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि जब दायरा कार, मसलन अभी मैंने पिछले दिनों अखबारात में पढ़ा और आपने भी कुछ प्रोग्राम्स भी इसके ऊपर किए, मैं खुद अदालत में नहीं था मगर मुझे ये अखबारों के जरिए और प्रोग्राम्स के जरिए ये पता चला कि ये भी बात की गई है कि अगर नवाज शरीफ साहब हट जाएँ तो शायद सेनेट के अंदर वॉकओवर भी मिला जा सकता है। तो जब पार्लिमान के अंदर बैठे हुए लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं, क्या सेनेट भी आगे बढ़ पाएगा या नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ तो जो आया फैसला अवाम ने कबूल किया या नहीं किया ये अलग बात है, उस पे अमल करें जिससे नवाज शरीफ बच जाए। नहीं देखिए, हम ऐसी कानून साजी चाहते हैं जिसके जरिए ये दायरा कार तय हो जाए और मासवा असेंबली में बैठ के तमाम पार्टी अभी जब करेंगे तो अभी तरीकाकार में एक ही बात आएगी कि नवाज शरीफ कैसे बचे, इसके अलावा नहीं आएगा। ये नहीं, ये आपका ख्याल है ना, आपने तो मुझसे मेरा ख्याल पूछा है, आप बताइए लेजिस्लेशन मेरा ख्याल लाना चाहिए। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि वो तमाम चीजें, मसलन एग्जीक्यूटिव की, सिंध ने मांगा एक आईजी, कैबिनेट ने फैसला किया कि बाकी तमाम सूबों की तरह सिंध ने जो आईजी मांगा है, जो नंबर वन है, उनको मिल जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कोई कानून होगा जिसके तहत ये समझा कि नहीं, इस आईजी को नहीं, पुराना जो हम आईजी फैसला किया वही रहे।
अगर वो आईजी रहे तो सिंध की हुकूमत क्यों फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार है? फिर जो फैसला करता है आईजी लगाने का वो जिम्मेदार है। इसी तरह वफाक ने फैसला किया तो, एक शख्स तो को अपॉइंट करने का, नहीं कोई अजीब बात नहीं, वैसे बात आपके ऊपर उससे ज्यादा लागू आता है। अदालत ने फैसला किया था नवाज शरीफ साहब को नाहल करार देने, तो वो चले गए, ठीक है चले गए। आपने 203 डाल के उनको पार्टी सरबरा बना दिया जिसकी प्रोविजन ही नहीं थी। 203 का फैसला तो दोनों जब एक दूसरे के साथ ये कुछ करेंगे तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। मलिक साहब मेरी देख ले लो, मलिक साहब एक बात मैं मुकम्मल कर लूं, बात ये नहीं है, बात ये कि 203 पे अदालत ने फैसला करना है अभी जो अभी नहीं हुआ, इसी हफ्ते तो, आ जाएगा, मगर अभी नहीं हुआ तो आज जो आप बात कर रहे हैं वो नहीं हुई तो अभी तक मतलब आईन के तहत चाहते हैं पार्लियामेंट के जरिए फैसले को आप रोक सकें। हम ऐसी चाहते हैं जिसके अंदर जो अदालती फैसले हैं उनके अंदर गॉड फादर और मारियो पिजो के नॉवेल्स का जिक्र ना हो, जिसके अंदर प्योर लीगल फैसले हों, जो लीगल ग्राउंड्स के ऊपर ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम इज देयर। आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क का हर मेहनत से आप मलिक साहब आप क्या ये कह रहे हैं कि इस मुल्क का हर अमीर आदमी चोर है? ये कह रहे हैं एक बेकरी बारी, आप क्या ये कह रहे हैं कि भुट्टो साहब की फांसी ठीक थी? ट्विटर के ऊपर एक सर्वे डाला हुआ है और आप भी ट्विटर के ऊपर जाइए और उस वोट में हिस्सा ले लिए। twitter.com/nadeem malik के ऊपर वोट हमने डाला हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि अदलिया का जो रवैया है इसके ऊपर बहस की जानी चाहिए कि उनको चोर डाकू कहा जा रहा है मुंतखब लोगों को। कुछ लोगों ने कहा है कि ये बात जो है दुरुस्त है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। अभी तक जो वोटिंग है उसमें तकरीबन 27-28% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ बहस होनी चाहिए, लेकिन अभी की वास्ट मेजॉरिटी जो है 70-72% वो कह रही है नहीं, अदलिया को इस सियासी मामला से दूर रखा जाए, एंड के ऊपर हतमी रिजल्ट देंगे। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। नवाज शरीफ के हक में फैसला आता है तो उसी दिन अदालत आलिया के कुछ जजेस से एक नई गाली सुनने को मिलती है। कभी कहते हैं गॉड फादर, कभी कहते हैं सिसिलियन माफिया, कभी कहते हैं चोर, कभी कहते हैं डाकू। तो मुझे बताओ कि अदालत की तोहीन होती है, आपके वोट की तोहीन नहीं होती? क्या आईने पाकिस्तान में गाली देने की कोई शिक है? क्या आईने पाकिस्तान में इंतकाम लेने की कोई शिक है? क्या आईने पाकिस्तान में बुग्ज और अनाद रखने की कोई शिक है? आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को गाली देकर, चोर कहकर, डाकू कहकर, सिसिलियन माफिया कहकर कौन से आईन की तशरीह हो रही है? अगर पाकिस्तान के आला अदलिया के जजेस पार्टी बनकर अगर चीफ जस्टिस साहब वो जबान इस्तेमाल करेंगे जो इमरान खान कंटेनर पे चढ़ के करता था तो उसका जवाब भी मिलेगा। आप कौन होते हो किसी की तोहीन करने वाले? आप कौन होते हो किसी की तबहीन करने वाले? आप कौन होते हो अवाम के महबूब लीडर को, अवाम के मुंतखब अवाम नुमाइंदे को जराइम की दुनिया के किरदारों से तशबीह देने वाले? ना एहदी का फैसला, ना एहदी का फैसला। जी प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शहरी रहमान साहब, ये बहस कभी सेटल तो करनी पड़ेगी। किस इदारे का क्या काम है? अदालत से फैसला इंसाफ के ऊपर मबनी ना आए तो फिर क्या तरीकाकार हो? अगर मुंतखब वज़ीर आज़म किसी ऐसे काम में मुलव्वस हो जहाँ अकाउंटेबिलिटी दरकार हो तो फिर क्या किया जाए? जी देखें, ये बहुत पुरानी डिबेट है, अहम डिबेट है और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ फैसले पार्लियामेंट करता है। बात इस वक्त, असल मसला इस वक्त, अगेन मैं कहूँगी, सियासी है। इस वक्त जो हुक्मरान जमात को सारी ये बातें याद आ रही हैं कि कौन किसके साथ किसकी तौहीन हुई है, किसकी नहीं हुई है, कौन सा इदारा सबकत लेता है, कौन सा नहीं, तो वो अपनी ज़ाती साख बचाने के लिए, अपनी जाने बचाने के लिए बात हो रही है। जब इन पर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो सब कुछ, वैसे तो यही जमात थी, यही मियां साहब थे जो काला कोट पहन के पहुंचे हुए थे हमारी हुकूमत, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताइए शरीफ भी, आप यू नो ये अभी एक जलसे के अंदर ये कहा गया कि ये पीसीओ के बुत बैठे हुए हैं, इन्हें उठा के बाहर फेंक। हाँ जी, तो पीसीओ का हल्फ उठाने वाले जज तो हैं,
तो अब जिन्होंने अगर पीसीओ का हल्फ उठाया या जिन्होंने 3 साल आइन में तरमीम का इख्तियार दिया मुशर्रफ को, क्या ये पार्लियामान उनका कंडक्ट जेरे बहस लाकर उनके लिए कोई सजा तजवीज कर सकती है? पार्लियामान ये क्या इतनी इतना काम करने का आप करने का इरादा रखते हैं? पार्लियामान का जो भी इस वक्त दायरेकार कोई महदूद नहीं होता, वो एक कानून साजी असेंबली भी बन जाती है ना। आखिर अभी जो 18th अमेंडमेंट हुआ, एक साल हुआ उसमें लगा रहा, सब कंसेंसस हुआ, वो हमारी हुकूमत ने जो किया तो वो कानून। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप खड़े हो जाएं और कहें कि जी हमारे वोट डिसाइड करेंगे। हमारे वोट बिल्कुल हर चीज़ डिसाइड करते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए डिसाइड करते हैं, लेकिन यू कैन नॉट, क्रिमिनैलिटी जो है, क्रिमिनैलिटी कभी इलेक्शन के जरिए नहीं तय होती। मतलब ये तो फिर कहना हुआ कि फिर मैं और आप कुछ भी कर ले, अकाउंटेबिलिटी है वो अदालत से ही होगी। जी बिल्कुल अदालत से होगी, लेकिन जाहिर है सेफगार्ड्स बनते हैं, ये सब होता है। और दूसरी बात, यहाँ बार बार बात की जा रही है कि भुट्टो साहब इधर से आए उधर, भुट्टो साहब कभी उन्होंने कोई माफीनामा अपना नहीं साइन कराया, वो कहीं नहीं गए। उन्होंने कहा मैं तारीख में अमर हूँ, और वो अपनी, उन्होंने अपनी फांसी और अपनी पूरी सूली अपने खुद से चूमी, ठीक है, फांसी का फंदा उन्होंने उस एक्सेप्ट किया, बजाय इसके कि तारीख उनको मिसजज करे, ठीक है ना। उन्होंने कहा तारीख मेरे सामने, तो प्लीज ये वाली एनालॉजीज और इस तरह की कंपैरिजंस नहीं, नहीं आप हुकूमत को बहुत देर देते हैं बात करने के लिए। तो मैं भी, मेरा भी सिर्फ ये छोटी सी अर्ज है कि ये वो वाली सिचुएशन है नहीं। प्लीज आप मियां साहब भुट्टो साहब से कंपैरिजंस ना करें, ये मुआवजा बिल्कुल गलत है और ये बार बार डिलिब्रेटली किया जा रहा है। उस पार्टी के जो लीडर आने, कभी बीबी शहीद के साथ मुआवजा करते हैं, कभी जुल्फिकार अली भुट्टो, खुद अपनी तारीख बनाए, खुद अपनी सियासी, डोंट बी सच ऑर्फन्स भाई, सियासी ऑर्फन्स तो ना हो, अपनी तारीख रकम करें। अदरवाइज वाई डू यू नीड टू, आप क्यों सारे वक्त चैनल कर रहे होते हैं अपने आप जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को, कभी मोहतरमा शहीद को, उनका स्टाइल, उनका नैरेटिव, हर चीज के हम उनके साथ नूली के पास सही नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास दो है। लेकिन इस तरह का कभी मुल्क से बाहर जाके नहीं बैठ गए, उनको ऑफर्स थे सारे, आपको सबको, आपके पास पीर साहब जब पीसीओ जज्जेस कहकर ललकारा जाए जज्जेस को, जेट पे नहीं जाके बैठ गए थे वो? हद तक तो होती है उन जज्जेस की, जब इस तरह जलसों के अंदर उन्हें कहा जाए पीसीओ जज्जेस इन्हें उठाकर बाहर फेंक दे, तो क्या किया जाए? आपकी बार का भी इसके अंदर रोल है, क्या तरीकाकार क्या है इसका? गुजारिश ये है जी कि पहली बात मैं जनाब से ये शेयर करूंगा कि बहुत सारी जजमेंट्स थी जो इस मुल्क की हिस्ट्री में आई हैं, उनमें चंद मतल जजमेंट्स कहलाती हैं। आसमा जिलानी केस है, PLD 1972, सुप्रीम कोर्ट 139। लेकिन आप देखेंगे ये भादराना फैसला वैसे यही है कि जाने के बाद आया था। जी हाँ, लेकिन आप देखिएगा ना कि उसके फ़ौर बाद मुख्तार राना केस PLD 1973 में आलमोस्ट वो जजमेंट को रिडंडेंट कर दिया गया। 72 वाली जजमेंट में पहली दफा यूजर पर डिक्लेयर किया गया था, लेकिन उस वक्त यही था नहीं, इसलिए इतनी वो बड़ा फैसला आ गया। तो बात यह है कि जफर अली शाह केस का जनाब फरमा रहे थे जो नवाज 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, तो मैं 2000 में लाहौर हाईकोर्ट बार का प्रेसिडेंट था, तो मैंने उस वक्त भी उस जजमेंट, क्योंकि जजमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, 3 साल दे दिए एक मिलिट्री डिक्टेटर को, तरमीम कर लो किस कानून के तहत। जी मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था, तो मैंने उस पर आर्टिकल लिखा जो न्यूज़ ने शाया किया, उन्होंने हौसला किया, न्यूज़ वाले ने शाया कर दिया। उसमें मैंने जफर अली शाह केस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ना ये पावर नहीं है कि किसी को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर दें। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 2 के तहत वही ज्यूरिसडिक्शन अस्यूम कर सकता है विच इज कन्फर्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन आर बाई लॉ। क्या इस पार्लियामान को चाहिए कि उस जजमेंट को उठाए और इसके ऊपर बहस करके कहे कि ये गलत काम किया था? जी मैं जजेस शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, क्या ये काम पार्लियामेंट कर सकती है? मैं ये मेरी गुजारिश ये है कि ये एक तसर दिया जाता है कि जर्नैलों की और जजेस की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, मैं इसे मुत्तफिक नहीं हूँ। जब हो सकती है, मैं कहता हूँ कि हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो सकती? देखिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब वो सिटिंग जज होते हैं ना तो आर्टिकल 209 कम्स इनटू प्ले ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल काउंसिल वाला काम। जी हाँ, जुडिशियल काउंसिल खाते वाला। लेकिन अगर कोई जज रिटायर हो जाता है या नहीं है तो उसके तहत जो है लॉ ऑफ द लैंड विल कम्स इनटू प्ले। अब यह है कि पार्लियामेंट में सख्त होनी चाहिए। सबसे पहले मेरी सबमिशन ये है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, एक ही नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी है पहले उनका अपना घर तो साफ। जी हाँ, मैं ये कह रहा था अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड करें, सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और आर्टिकल 5 सब आर्टिकल 2 को लोग भूल जाते हैं।
سب سے اہم وہ آرٹیکل ہے، وہ یہ کہتا ہے جی کہ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا از دا obligation آف ایوری سٹیزن ویئر ایور ہی مے بی اینڈ آف ایوری ادر پرسن فار دا ٹائم بینگ ود ان پاکستان. اچھا میں اس پہ الوی صاحب کو بھی ساتھ شامل کروں گا. الوی صاحب، ایک نون لیگ کے اندر ایک عمومی اس وقت تاثر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ججز اور جنرلز آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ اس وقت اپنے آپ کو وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں. ماضی ایسا بہت ساری مثالیں موجود ہیں، انہونی بات بھی نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جس طرح سے اور مریم نواز شریف جس طرح سے یہ نکلی ہیں اور انہوں نے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی ہے ان معاملات کو، اور یہ کہ مجھے کیوں نکالا والا نیریٹو ہے، اور یہ کہ جوڈیشری نے ان کے خلاف غلط فیصلہ دیا، اور یہ کہ جوڈیشری کو فیصلہ لکھ کر دے دیا گیا تھا اس حساب سے انہوں نے فیصلہ کیا، تو یہ ایک پولیٹیکل رینگلنگ ہے جس کے اندر مجھے جمہوریت بے انتہا کمزور ہوتی ہوئی نظر آئی. مجھے یہ لگا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ یک طرفہ قوانین پاس کرے گا، اور جو انہوں نے کیا 203 کے اعتبار سے کیا یک طرفہ، اور تھریٹ ہے، اور تھریٹ کیا، عوام کے سامنے جا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم حکومت کے اندر اگر ہم الیکٹ ہو گئے تو ہم ان ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے. ٹھیک سے مراد یہ کہ خراب کر دیں گے. مثال آئین کے اعتبار سے، آئین کی برتری کے اعتبار سے چیک بیلنسز جو ہیں وہ صرف کیونکہ اب اپنی گردن پر پیر پڑا ہے تو سارے چیکس اینڈ بیلنسز کو چیلنج کر لیا جائے، یہ غیر مناسب ہے. عدالت کے پچھلے فیصلے جو خراب ہوئے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ عدالت نے خراب فیصلے دیے ہیں، یا مشرف صاحب کے کو سپورٹ کیا، مشرف صاحب کو یہ دے دیا کہ جناب تم آئین میں جو مرضی آئے ترمیم کر لو، یہ سب خراب فیصلے ہیں. مگر ان خراب فیصلوں کو لے کر آج کے فیصلوں کو بھی یہ کہا جائے کہ جی ان کے اندر انہوں نے سسیلین مافیا کا ذکر کیا، گاڈ فادر کا ذکر کیا، لہٰذا وہ انہوں نے ہم کو چور کہا. اگر دیکھیے، اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب انٹروتھفل تھے نواز شریف، سچ نہیں بولا، جھوٹ بولا، تو اس معنی کر کے اب کیا کہے عدالت؟ عدالت یہ کہے کہ شریف آدمی ہے مگر جھوٹ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس کو یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے آئین کو ہلا کر رکھ دینا چاہتے ہیں، سارا جو بیلنس کریٹ ہوا ہے اس کو بدل دینا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ، یہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کو مجھے نہیں نظر آ رہا. یہ تو ویسے پارلیمان کے جو ممبرز ہیں، میں تو پارلیمان کا ممبر نہیں ہوں، جو پارلیمان کے ممبرز ہیں یہ تو ان کا فیصلہ ہے کہ کوئی ترمیم آگے آئے گی یا نہیں آئے گی. میرے خیال میں اس وقت کوئی ترمیم نہیں سامنے آ رہی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت جو اداروں کا رویہ ہے اور اداروں کا دائرہ کار ہے اس کو پر بحث چل رہی ہے. کے اوپر ایک بار ہے، آپ کو اگر اس کے اوپر بحث بھی کرنی ہے تو آپ کو تب بھی آئینی ترمیم کی طرف جانا پڑے گا. ابھی پابند کرتا ہے آئین، آپ اس کے کنڈکٹ کو بحث نہیں لا سکتے. لیکن استثنا بھی دیتا ہے ایک طرح سے جو پارلیمان کا فلور ہے، یہ 300-400 سال پرانی تحریک ہے جس میں آرٹیکل 68 ہے، آپ کو امینڈ کرنا پڑے گا. میرے خیال میں ایک اور بھی آرٹیکل ہے جو استثنا فراہم کرتا ہے، عدالت فلور آف دا ہاؤس پہ جو بھی گفتگو کی جائے اس کا استثنا حاصل ہے پارلیمانی ممبرز کو. اٹ از پریویلیج فرام پروسیکیوشن جی ہوتا ہے، لیکن یہ پھر متصادم ہو جائے گا. نہیں آپ کہہ سکتے ہیں پارلیمان کے لوگوں کو استثنا صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ باتیں جو باہر نہیں کی جا سکتی، وہ باتیں فلور آف دا ہاؤس پہ جہاں پہ الیکٹڈ ممبرز بیٹھتے ہیں کی جا سکیں. تو فلور آف دا ہاؤس پہ ایک استثنا حاصل ہے، اگر اس کو بھی ٹرمپل کیا جائے گا تو پھر ہوگا یہ کہ ان کو پارلیمانی ممبران کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی آواز بند کرنا چاہتے ہیں، اپنی آزادی جو بولنے کی ہے اس کو سلب ہونے دینا چاہتے ہیں، یا اس کے لیے کوئی آئینی یا قانونی ترمیم کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، ایک بات میں آخری کر دوں اگر آپ اجازت دیں. آپ نے پی سی او کا بہت دفعہ ذکر کیا. دیکھیے پی سی او کا ذکر جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس کر چکا ہے اور ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ دے چکا ہے. اس کی اپیل جو خورشید بھنڈر صاحب کا کیس ہے جس میں پتہ نہیں 84 یا 87 جو ججز تھے ان کو نکالا گیا تھا، یہ فیصلہ نہ صرف عوام کا ہے، نہ صرف پارلیمانی ممبرز کا ہے، بلکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پی سی او کے متعلق. کہ خورشید بھنڈر کیس کے اندر یہ کہا گیا، جہاں تک میں نے پڑھا. بریک لے لوں، بریک آگے نکل گئی. بریک لے لیں جی. بریک سے واپسی کے اوپر اس سے پوچھتے ہیں پیچھے ججز کا کیا بنے گا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شہری بی بی پہلے آپ بتا دیں، 203 مقصد تو وہی لگتا ہے، لیکن اب یہ کیا کریں گے، کیا ہوگا، لڑائی والی کیفیت نہ ہو جائے؟ دیکھیے لڑائی والی کیفیت اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے، ابھی جو ڈسکشن ہو رہا تھا بیچ میں
कि बहुत सी चीज़ें जो आप अमेंड करना चाहते हैं, जो लॉज 62-63 की आपको डिस्कशन याद है, हम मुस्तकिल कहते थे दो तीन बड़े बड़े मौाक़ों पर कि इसको अमेंड करें, ये करें, वो करें। अब मगर जब ये जो जमात है, अब चले गए मलिक साहब, तो ये जो जमात हुक्मरान जमात हर चीज़ अपनी ज़ात से मुंसलिक कर लेती है, तो फिर वो सारा लेजिस्लेशन जो है, वो जो शायद अच्छा हो या वट एवर इट इज़, उस पर कंसेंसस हो, वो ख़त्म हो जाता है और उसकी वो सारी प्रपोज लेजिस्लेशन जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कि जिस तरह पर्सनलाइज लेजिस्लेशन की बात करी थी, जब आप अपने ज़ात के लिए कोई कानून बनाते हैं और उसको पहले अपोज करते हैं, उस इदारे को अपोज करते हैं और उस लेजिस्लेशन को अपोज करते हैं, कानून को, तो आप भी इसके ऊपर क्या राय देते हैं? मेरी जनाब ये है कि अभी तक तो वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। बुध वाले दिन अटर्नी जनरल के दलाइल है, उसके बाद हो सकता है फैसला। मेरी गुजारिश है कि हमको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए जो सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन मैं गुजारिश यही करूंगा कि अगर पीपल पार्टी वालों ने जो नारा लगाया था कि हम 1973 का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बहाल करेंगे, यकीन कीजिए वही पीपल वर सेटिस्फाइड कि अगर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म ये बहाल कर देते ना, तो शायद आज पाकिस्तान की तारीख जो है ना मुख्तलिफ होती। लेकिन मजबूरियां पता नहीं क्या होती हैं कि हम लोग जब पार्लियामेंट में जाते जाते हैं तो वहां हर चीज पे छोटी छोटी चीजों पर इनको सौदेबाजी करनी पड़ती है, उसमें ये डेविएट कर जाते हैं। आपने शराकत दारी से बनाना चाह रहे थे ना वो तारीखी, तो ये था कि मैंने उस वक्त भी अपोज किया कि ये 62 जो है एफ, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं और ये निशानी भी एक डिक्टेटर की है, पर्सनलाइज किस्म की लेजिस्लेशन है, इसको रिमूव करें। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तसव्वुर था, हमने उसको भी हाईलाइट किया। अब एक जनाब की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ना जुडिशियल रिस्ट्रेंट जो है बहुत ज़रूरी होती है। मैंने जैसे वक्त चौधरी इफ्तखार साहब अपने पूरे अरूज पर थे ना जी, प्रोग्राम का टाइम मेरे पास ख़त्म हो गया है, ये जो इशू है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाला, इसके ऊपर खुल के बात होनी चाहिए इन कमिंग प्रोग्राम इंशाल्लाह, दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे। पीर क्लीम खुर्शी शहरी रहमान साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ है, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।